सभी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म नाग अश्विन के डायरेक्टेड कल के 28/97 थी। इसमें एक्टर ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। इसमें इनके काम की खूब तारीफ की गई। फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। प्रभास तारर इसके बारे में एक्टर ने कौन बनेगा करोड़पति की 16 में एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बताते चले कि शायद ही हंस भी पड़े। दरअसल अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 16 को होस्ट कर रहे थे। वो एक बार की तरह इस बार भी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं और उनके सामने हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट ने 40,000 के सवाल का सही जवाब देने के बाद ही बिग बी से हॉलीवुड की फिल्मों के बारे में बातें की थी और फिर उसके बाद उनसे कहा था बताया था कि आखिर क्या चीज़ थी जो बिग बी को सबसे ज़्यादा पसंद थी। दरअसल बताते चले कि फिल्मों के बारे में बातें की और फिर बताया कि उन्हें वो कितनी ज़्यादा पसंद है। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी एक किस्सा सुनाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो किस्सा है वो उनके दिलों के काफ़ी ज़्यादा करीब है। दरअसल बताते चले कि एक्टर ने बताया कि डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने बताया था कि ये एक संस्थान है जिसका कि नाम हेरिटेज फाउंडेशन है। उसमें पुरानी फिल्मों के नाम फिर से स्थापित करने का काम किया जाता है। जो कि फिल्में ख़राब जाती हैं या फिर कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनको सही किया जाता है और इसी काम के सिलसिले में डायरेक्टर शामिल है और इसी कारण से इंडिया आए थे। इसी दौरान अमिताभ ने भी बताया था कि जिन लोगों को साइंस फिक्शन फिल्म देखना पसंद होता है उन लोग को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ बताते चले कि अमिताभ बच्चन ने बताया कि भाई साहब हमको बहुत आश्चर्य होता है जो लोग ये इंटरस्टेलर वगैरह देखते हैं। हम भी दो तीन बार उसको, लेकिन अभी तक हमको समझ नहीं आया ये पिक्चर थी क्या वो। सर हमारे बच्चे जो लोग हैं नाती पोते बोले शानदार पिक्चर है, हम देख के समझ ही नहीं पाए। फिर उन्होंने एक तंज मारा कि आपकी कल की भी हमें समझ नहीं आई। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सनलाइफ।